बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। पुलिस जगह जगह मुंह सूंघ सूंघ कर शराब चेक करती दिखाई दे जाती है, लेकिन तब क्या कहा जाए। जब थाने के इर्द गिर्द ही शराब के तहखाने मिले, कारखाने मिले और शराब बनाने वाले तस्कर भी मिले, ऐसी स्थिति में एक मुहावरा याद आता है, चिराग तले अंधेरा। वैशाली जिले के लालगंज में कुछ ऐसा ही मामला बीते रविवार को सामने आया। लालगंज थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर अगरपुर जीए हाई स्कूल के पास मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मौके से काफ़ी मात्रा में तैयार शराब के साथ साथ अन्य उपकरण और बोतलें भी एंटी लीकर टास्क फोर्स को ने बरामद किया है। दो लोगों को पुलिस ने शराब बनाते हुए रंगे हाथ भी पकड़ा है। कार्रवाई करने पहुंची टीम ने मौके से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब के साथ इंपीरियल ब्लू ब्रांड की खाली बोतलें भी बरामद की है। मामले पर एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम ने बताया कि घर का मालिक मुख्य दरवाजा बंद करके शराब का निर्माण किया करता था। सूचना मिलते ही लालगंज पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, पर पुलिस छत के सहारे अंदर घुसी और घुसने के दौरान उसे सारे मामले सामने दिखाई दिए। हालांकि कुछ लोग पुलिस की टीम को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे, मगर दो लोग शराब निर्माण कार्य में लगे हुए थे जो भागने में सफल नहीं हो सके। शराब को लेकर छापेमारी की खबर फैलते ही धंधेबाजों के घर के आसपास हड़कंप मच गया। इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि शराब धंधेबाज में पुलिस प्रशासन का खौफ अब समाप्त हो चुका है। हालांकि लालगंज प्रशासन और उसकी टीम शराब मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। यह पुलिस के प्रयासों का ही नतीजा है कि आए दिन शराब के धंधेबाज और तस्कर पकड़े जा रहे हैं। सुनिए एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम ने क्या कहा। शराब